क्या आप अपने रेगुलर माउस से परेशान हो गए हैं? क्या आपके पास वो लेजिट माउस नहीं है जो बाकी 1 लाख सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर्स के पास होता है? क्या आपके छोटे घटिया और बेकार माउस की वजह से आपका मालिक आपको डांट देता है? क्या आपके घटिया माउस की वजह से आपके गली के छोटे मोटे वीडियो एडिटर भी आपके ऊपर हंसते हैं? तो लानत है ऐसे वीडियो एडिटर होने पर, आपके 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर। अभी अनसब्सक्राइब करो इस इंसान को। तो रुको, मुझे करना क्या होगा? तो इसके लिए आपको कॉल करना होगा 9900777211 पर और आज ही लाएं अपना 128 की वाला प्रीमियम माउस जिसका ओरिजिनल प्राइस है 90,000 रुपए, लेकिन अभी कॉल करने पर आपको मिल रहा है ये सिर्फ 7,000 रुपए में। इतना डिस्काउंट? जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 7,000 रुपए में। तो जल्दी से जल्दी फोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए, क्योंकि हमारे पास कुछ ही चुनिंदा यूनिट बची हैं। इतना जल्दी आ भी गया? तो गाइज, ये कोई आसान सफर नहीं था। यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, कभी ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। हमेशा सोचता रहा कि जो मैं कर रहा हूँ लोग उसकी सराहना करेंगे भी या नहीं, क्या सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या जो मैं ये कर रहा हूँ ये समाज में रहने लायक है भी या नहीं। बट आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ 2 लोगों की वजह से हूँ। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा अपने माता पिता को, जिन्होंने मुझे 2 साल पहले ही घर से निकाल दिया था। अबे भाई, मेरा सिल्वर प्ले बटन कहाँ गया, मिल नहीं रहा। दिस इज द सबसे महंगा माउस, बट इसको बाद में अनबॉक्स करेंगे, उससे पहले इसका कॉम्पिटिशन ले आते हैं जो कि होगा सबसे सस्ता माउस ऑब्वियसली। तो उसके लिए हम मार्केट में खोज के लिए निकल चुके हैं। तो अभी हम आए थे कंप्यूटर मार्केट में माउस चेक करने, तो देख ले रहे हैं हमें कौन कौन सा माउस यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले तो हम सबसे सस्ता माउस पूछेंगे और सबसे महंगा माउस पूछेंगे, देखते हैं इनका रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, तो रोज ही बेचते होंगे। भैया ये बताओ, सबसे सस्ता माउस कौन सा होगा आपके पास? 100 रुपये का है ये माउस और ये 150 का है। एक बार खोल के दिखाता हूँ मैं यार, ये तो ये वाली शेप तो यार मुझे अपने माउस जैसी लग रही, जैसा वो है ना हमारे पास। अरे ये सबसे सस्ता भैया 100 रुपये का, इसे चला के तो दिखाओगे आप? हाँ एक बार चला के दिखा दो इसे, भाई नुकसान नहीं होना चाहिए 100 रुपये का भी, चला के देख लो पहले। क्लिक तो काम कर रही। और आपके पास सबसे महंगा कौन सा होगा, कितने तक का, मतलब रेंज क्या होगी इसकी? महंगे हैं 900 रुपये तक के। तो ये मैंने ऐसी मार्केट से ले लिया एक माउस 100 रुपये का, सबसे सस्ता उनके पास यही था। और जो ज़्यादा बटन वाले माउस हुए ना वो ख़त्म हो रहे हैं, इनके पास सबसे महंगा भी 900 रुपये का है, तो सही रहेगा ये, शायद ट्राई कर लेंगे इसे। तो मैंने माउस ले लिया है सबसे सस्ता, तो सबसे पहले माउस का तो जुगाड़ हो गया आपने। अब ऐसा करते हैं एक थंबनेल के लिए फ़ोटो ले लेते हैं। अबे क्या सही फोटोज आ रही है, ऐसा कर इंस्टाग्राम के लिए भी ले दे एक। ऐसा करते हैं इसे अभी के अभी इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं, बट उसके लिए एडिट भी तो करनी पड़ेगी, अभी कर लेते हैं। तो एकदम फास्ट फोटो एडिट करने के लिए मैं यूज करता हूँ B612 ऐप, क्योंकि इसमें है इतने कूल और रेट्रो फिल्टर इफेक्ट जो कि मेरी फोटो को एकदम एस्थेटिक बना देते हैं। रुको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर तुम इंस्टेंट फोटो ले सकते हो, क्योंकि इसका कैमरा है बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें लाइव फिल्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुम्हें मिल जाता है ये हेयर कलर वाला फिल्टर, और यहाँ पर तुम टैप करके बाल का कलर चेंज कर सकते हो। और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जैसे कि ये सनग्लासेस वाला फिल्टर मेरा फेवरेट है। इसके अलावा तुम गैलरी में सेव्ड फोटोज़ को भी एडिट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ये अभी ली हुई अपनी फोटो इंपोर्ट करता हूँ और एडिट में जाके इस पर फिल्टर लगाते हैं, जैसे कि ये 35mm वाला फिल्टर एकदम रेट्रो लुक देता है, और यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। और अभी के लिए मैं इस फोटो पर अप्लाई करूंगा मेमोरी वाला फिल्टर। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर मेरे कुछ फेवरेट भी है जिसको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा, तो तुम उसे सेव कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पर मिल जाता है DSLR वाला फीचर, जिससे तुम बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ वाली फोटो पे कर रहा हूँ, और यहाँ से तुम इसे चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कितना इसको रखना है। तो सिर्फ मुझे 10 मिनट दो और मैं सारे फोटोज पर फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, एंड डन। और सबसे अच्छी बात तो यह है ये कोई चाइनीज ऐप नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पर डेटा एकदम सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये ऐप तुम्हारी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करता। और अगर तुम्हें भी ये फिल्टर्स ट्राई करने हैं अपनी फोटोज पर, तो मैं यहाँ पर अपने फेवरेट्स डाल दूंगा, तुम भी जाकर ट्राई कर सकते हो। तो अब हमारे पास सबसे महंगा माउस है और सबसे सस्ता माउस भी है, बट इनके बीच में एक बजट माउस भी ले लेते हैं जो अराउंड 700 से 1000 रुपए का आता हो, बट सारे पैसे तो इनमें जा चुके हैं। लेकिन रुको, मेरे पास एक आइडिया है।
यार हर्ष के वॉलेट से तो बात नहीं बनी, अब लगता है मुझे मालिक के पास ही जाना होगा। मालिक पैसे चाहिए थे। पैसे? कैसे पैसे? वो माउस लेना है। माउस अभी तो दिलाया था 3 साल पहले, खर्चे पे खर्चे करवा मैं। हाँ बाबू, हाँ तुम्हारा रिचार्ज अभी करवा दूंगा, जियो वाला 850 वाला कराऊंगा 3 महीने वाला। जरूरत है माउस की। पानी की बोतल भरी आया? भर दी। तो खाली करेगा दोबारा? भर, 3 बार भर दी। टेबल साफ कर दी? कर दी। शू रैक में शूज लगा दिए? लगा दिए। अरे हमारे तो लगी रहे थे पड़ोसियों के, 3 पड़ोसियों के लगाया। अच्छा कितने चाहे पैसे? 10,000। 10,000? सारे खानदान ने एक साथ देखे, 10,000 कितने हो? 5,000। कितने? 2,500। 1,000। जावे नहीं हो। हाँ बाबू। अरे तुम्हारे पापा का, बुआ की लड़की का, मामा की लड़की का सबका करवा दूंगा, क्यों टेंशन ले रही? एंड ये है वो माउस जो आपको 700 रुपए से लेकर 1,000 तक का मिल जाएगा। ये मेरे पास पहले पड़ा था, तो इसका मेरे पास बॉक्स नहीं है, बट अभी इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा तुम्हें। RGB है इसमें। अब हमारे पास तीनों बजट के माउस है, तो देखते हैं कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, चाहे वो गेमिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो या फिर तुम्हें अपने इंटरनेट कैफे पे वो माउस रखना हो। वैसे इंटरनेट कैफे के लिए तो ये वाला ही सही रहेगा, 100 रुपए वाला। तो सबसे पहले तो हमारे पास आता है ये 100 रुपए वाला माउस। ये इसकी केबल है और इसके बॉक्स में हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, सिर्फ माउस है। लेकिन इस पे पढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या लिखी है। सीमलेस टॉप शेल डिजाइन, एर्गोनॉमिक डिजाइन फॉर बेटर ग्रिप, कन्वीनियंट स्क्रोल व्हील, एंश्योर स्मूथ परफॉर्मेंस, कंपेटिबल विद विंडोज, विस्टा, मैकओएस, हर जगह। तो हमने ये जोड़ दिया है अपने कंप्यूटर से। ओह, इसमें लाइट जलेगी यार, इतना बुरा भी नहीं है, सही चल रहा है, मतलब मजा आ रहा, फास्ट है माउस। तुम 4-5 मॉनिटर लगा लोगे तब भी यूज कर लोगे। बस इसमें दिक्कत ये है, ये बहुत छोटा सा माउस है और मेरा हाथ ऐसे आ रहा है इसमें ऐसे। ओह, स्क्रोल व्हील थोड़ा, बट 100 रुपए में क्या दिक्कत है भाई साहब, मिडल बटन भी काम कर रहा। चलो अब नेक्स्ट माउस पे चलते हैं। अब आता है हमारा बजट माउस, इसका बॉक्स मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता तुम्हें। और हाँ, पहले मैं यही यूज करता है, इसकी शेप बहुत कंफर्टेबल है और इसमें साइड बटन्स भी है। और सही बताऊं तो ये इतना कंफर्टेबल है कि मैंने अराउंड 3 साल से यही माउस यूज करा है, और वो भी शायद 2-3 बार मैं इसे ही मंगा चुका और बाकियों को भी इसे ही रिकमेंड करा था। और हाँ, इसमें लाइट भी जलती है और वो भी ग्रेडियंट वाली। तो ये तो मैंने यूज करा हुआ, ये है अच्छा माउस, मतलब अपनी प्राइस के हिसाब से। साइड में 2 बटन मिल जाएगी, RGB मिल जाएगी, यहाँ पे एक DPI का बटन भी मिल जाएगा तुम्हें, और बढ़िया ही चलता है, इससे गेमिंग तुम आराम से कर सकते हो। और साइड में बटन्स भी है जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, और इसका सॉफ्टवेयर आता है जिसे तुम इन की को कस्टमाइज कर सकते हो, तो एडिटिंग के लिए भी ये बेस्ट है, मस्त माउस। तो जब मेरे पास पुराना लैपटॉप था, मैंने ये 100 रुपए वाला माउस भी यूज किया है। मेरे याद है अभी भी, मैं उसमें GTA 5 खेल रहा था इस वाले माउस से, तो ये भी चल जाता है, बट ये 2-3 महीने तक चलेगा। फिर मैंने सीधा इस पर शिफ्ट किया था, आई थिंक इससे पहले एक मॉडल आता था उसमें RGB नहीं आती, अब तो RGB आने लगी, बट ये वाली शेप बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसी शेप को लेके मैंने फिर ये वाला माउस मंगाया था। बस इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये ब्लूटूथ है, इसमें सेल डलती है, और ये 3,500-3,000 का आता है। तो इसके बाद मैंने ये भी यूज किया है, इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है और इसका डोंगल भी इसी में आ जाता है, तो ये भी अच्छा माउस था। तो मैं माउस में अब तक बस इसकी ही रेंज तक गया था, अराउंड 3,000-3,500 रुपए। और उसके बाद फिर मैंने लिया ये MX Master 3, और इंडिया और बाहर के सभी यूट्यूबर्स, यहाँ तक की MKBHD भी इसे यूज करता है। तो इसमें है क्या ऐसा, सबसे पहले इसमें तुम्हें USB डोंगल मिल जाएगा, फिर आप इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक साथ ये 3 डिवाइसेस से पेयर हो जाएगा, जैसे कि मेरा MacBook, PC और चाहो तो iPad या फिर दूसरे PC। खोल लेते हैं इसको। तो जैसे ही आप इसे MX को खोलेंगे, यहाँ पर तुम्हें माउस दिख जाएगा और साइड में एक डोंगल, और इसके साथ एक केबल मिलेगी चार्ज करने के लिए इसे। हाँ, तो इसमें सेल नहीं डलती है, तो यहाँ टाइप सी पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं, और एक बार चार्ज करने पे ये अराउंड 5-6 महीने चल जाता है जहाँ तक मैंने सुना है। नीचे की तरफ यहाँ पर तुम्हें ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, और इसे तुम 3 डिवाइस से पेयर कर सकते हो। तो ये रहा इसका डोंगल, इसको मैं PC में लगाता हूँ और इसे सेकंड पे स्विच कर देता हूँ। ओह चल गया। इसका स्क्रॉल व्हील दिखाता हूँ तुम्हें, तो ये इनफाइनाइट स्क्रोल है, और आवाज़ भी इसमें कुछ ऐसी आती है, ये धीरे स्क्रोल हो रहा है और ये एकदम स्क्रोल। वैसे सही बताऊँ तो बस ये मार्केटिंग फीचर है, इसका ज़्यादा यूज आता नहीं है कहीं, बस ये इन वालों से थोड़ा सा स्मूथ है। और इसमें तुम्हें साइड में स्क्रोल भी मिल जाएगा, जिससे तुम या तो वर्टिकल स्क्रोल कर सकते हो जो कि ज़्यादा एडिटिंग में यूज आता है, या फिर ऐसे ये ब्राउजर की टैब्स स्क्रोल कर सकते हो, बट ये सिर्फ एडिटिंग में यूज आता है, इसे मत सोचना तुम कहीं और यूज करोगे ज़्यादातर। एक और बात, इसमें यहाँ पर भी तुम्हें बटन मिल जाता है, इसके नीचे देखो अब प्रेस होगा,
ये प्रेस हो रहा है और यहाँ पर बाकी माउस की तरह तुम्हें फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन तो मिल ही जाएगा। बस ये फीचर्स है इस माउस में। लेकिन अब मैं बताता हूँ सही में यूज क्या होता है। तो भाई बटन इसमें चाहे तुम 10 दे दो या फिर 15 दे दो, यूज तो सिर्फ ये वाले होंगे बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ये स्क्रोल व्हील सिर्फ वीडियो एडिटिंग में कभी कभी यूज होता है, नहीं होगा इतना यूज। और यहाँ पर ये तुम्हारा स्मूथ स्क्रोल भी ज्यादा यूज नहीं होता। दूसरा, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अब मैं कह रहा था ये वाला माउस बहुत कंफर्टेबल है और ये सही में है, बट अगर तुम एक बार इस पर शिफ्ट हो गए तो वापस इस पे नहीं जा पाओगे। इसमें भी तुम्हें सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिससे तुम सारी कीज कस्टमाइज कर सकते हो। और ये जो एक बटन है, ये एक बटन नहीं पूरे 5 बटन है जेस्चर से तुम मूव कर सकते हो सॉफ्टवेयर में जाके। ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट इसमें सबसे यूजफुल फीचर जो है कि अगर तुम्हारे पास दो डिवाइसेज हैं जैसे कि मेरा मैकबुक और पीसी, तो ये दोनों से एक टाइम पे कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे मेरा माउस का कर्सर मेरे पीसी पे है, बट अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो अब ये मेरे मैकबुक पे आ गया। और बस इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर फाइल्स भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। मैं अपने मैकबुक पे कॉपी दबाऊंगा किसी भी फाइल को लेके और वापस अपने विंडो में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। अब कंक्लूजन क्या है, तुम्हें कौन सा लेना चाहिए? चाहे तो तुम ये भी ले सकते हो 100 रुपए में, बट इसका कुछ भरोसा नहीं ये 1 महीना चले या 2 महीना। दूसरा है ये माउस, ये अपनी वैल्यू से कुछ ज्यादा ही ओवर प्राइस्ड है। तो ये माउस मैं तुम्हें जब रिकमेंड करूंगा जब तुम्हारी 1 सेकंड की बहुत ज्यादा वैल्यू है और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा रहता है तो तुम इसको ले सकते हो। बट अगर तुम कैजुअल गेमिंग करते हो और अपना पीसी कभी कभी चलाते हो तो ये माउस सबसे बेस्ट है। और सबसे अच्छी लगती है मुझे इसकी लाइटिंग, क्योंकि ये कोई भी सिंगल कलर नहीं है और ये ग्रेडियंट वाला मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। और ये कंफर्टेबल भी है, और इसकी जगह अगर इसमें कुछ खराब भी हो गया तो तुम दूसरे और तीसरे माउस का कर सकते हो, लेकिन ये खराब हुआ तो नो चांस।